किती आहे? कमी कर, 20 18 20 वगैरे कर. हां बस. हां लाइव है ना? ओके चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो. कैसा रहा आप लोग का फर्स्ट लेक्चर बच्चों? एनर्जी फुल एकदम, वेरी गुड. चलो शुरू करते हैं आज के प्रवचन के लिए. कर दे. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. वापस एक बार ट्राई करेंगे. एनर्जी चाहिए. थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था एनर्जी है फुल. वापस एक बार ट्राई करेंगे. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. सो दोस्तों, मैं कौन हूं जानते हो आप लोग? आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड. चलो सो मैं हूं सीए अर्शद जाजू, आपका फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो मेरे बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बातें तो करते रहेंगे, और आने वाले जो अपने 5 महीने हैं उसमें तो हम लोग बहुत बातें करेंगे, बहुत बातचीत करेंगे. बट आज डे वन पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना जरूरी है व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी प्रोफेशनल फील्ड दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सही है? यस. उम्मीद कर रहा हूं कि विनोद सर ने आप लोग को तो पूरा कोर्स के बारे में एक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताया ही होगा कि बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजने वाला है इसमें. सही है ना? पूरा आपको रोड मैप बताया होगा कि वेयर यू आर राइट नाउ आफ्टर क्वालिफाइंग योर सीए फाउंडेशन, आपको आर्टिकलशिप करनी होगी. उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी बराबर. बट अब आज के इस सेशन में, अभी सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हम लोग कोर्स? कौन सा कोर्स कर रहे हैं अपन? मतलब सच्ची बोलो, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मालूम है क्या आप लोगों को? कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, पता नहीं सर मेरा दोस्त आ रहा था, मैं आ गया साथ में. ना मैं तो आया उसके साथ भाई. ठीक है. सो हम लोग जो कोर्स में एंटर कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या बोल रहे अपन इसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो ऐसा कुछ आप लोगों ने पता किया होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग सीए कर रहे वाले हैं. आज डे वन है, फुल एक्साइटेड, फुल जोश, एनर्जी एकदम. बट पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सीए लोग करते क्या है यार? मैं सीए हुआ, मैं सीए हूं, आप सीए बनने वाले हो. आज से 3 4 साल बाद आप और मैं एक लेवल पे होंगे, आप भी सीए, मैं भी सीए, बराबर कि नहीं? मैं भी आपको बोलूंगा सर मैम, आप भी मुझे सर बोलोगे. वाओ, वी विल ऑल बी एट द सेम लेवल. सीए बनने के बाद मैं भी आपको सर या मैम बोलूंगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट है तुम लोग, भारी एकदम. बट यार ये, हाँ वो इज्जत होती भाई इतनी, मतलब वो जब तू और थोड़ा आगे के जाएगा ना कोर्स में, और लोग इतनी रिस्पेक्ट देते ना, आंखों में से आंसू आते भाई. इतनी रिस्पेक्ट आदत नहीं होती हम लोगों को इतनी. ठीक है. सो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो मालिक ये क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट? एक लाइव स्ट्रीमिंग बोल रहे सर कोई नहीं, वो हाफ सीए सीरीज देख के आया मैं, तो उसमें देखा है कुछ तो भी भारी है कुछ तो भी, तो इसीलिए डिसाइड किया सर सीए. ऐसा कौन है ऐसे हाफ सीए से बना आए? नहीं ना, गुड, बहुत मारता नहीं तो मैं. सो चलो ये बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हम लोग जो करते क्या है भाई? आप लोग आपकी जिंदगी बना रहे हो इससे. देखो ये ऐसा नहीं है कि बेटा 10th पास हो जा, मजे ही आ गए, फिर आप ढूंढे मजे किधर है, फिर घर वाले बोले बेटा 12th पास हो जा, मजे, फिर अभी आपके टीचर्स बोलेंगे बेटा सीए पास हो जा, मजे. अरे है किधर मजा? तो पहले पता होना चाहिए कि ये मैं सीए कर रहा हूं. तो इस सेशन में डिस्कस करते हैं पहले, इन द फर्स्ट प्लेस, सीए करना या नहीं करना? करना है. अरे बट पहले करता क्या है सीए, वो तो डिसाइड कर लेते हैं अपन. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते क्या है? पैसा छापते. हाँ. येड़े, उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि क्या काम करते हैं. बोलो क्या करते हैं? व्हाट डज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशन, व्हाट वी डू, व्हाट इज आवर वर्क? सो कोई पहले बच्चा बोल रहा है कि सर हम लोग ऑडिटिंग करते हैं. चलो ठीक है,
सेकेंड बोल रहा है कोई सर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, चलो ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, अकाउंटिंग में आ गया, चलो ठीक है। हाँ, सो टैक्सेशन सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बेटा जीएसटी भी टैक्स ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बराबर, टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बताओ और क्या करते हैं हम लोग? टीचिंग, ऐसा नहीं, वो टीचिंग तो मतलब वो तेरे को सीए बनाने के लिए मुझे आना पड़ा यहाँ नहीं तो आज मैं भी अपनी प्रैक्टिस करता ना। तू बोला सर पढ़ाओ इकोनॉमिक्स जरा, तो सब छोड़ छाड़ के तेरे लिए आया मैं। एज अ प्रोफेशन व्हाट डू वी डू? कंसल्टेंसी, मतलब वी आर टेक्निकली व्हाट, बिजनेस कंसल्टेंसी की जगह बहुत भारी वर्ड बोलू क्या मैं? वी आर बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। क्या बोला अपन ने? वी आर बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। क्या आपकी जिंदगी में दर्द है? क्या आप आपके बिजनेस को लेके परेशान हैं? फिकर ना करें, मैं हूं ना, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर्स है। लीगल एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहे हैं हम कंट्री की इकोनॉमी चलाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे मूवी के और सीरियल के डायलॉग नहीं चिपकाने के इधर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट सेविंग्स, बराबर, या कंट्रोल करने में मदद करते हैं, बराबर। तो ऐसा बहुत कुछ काम हम लोग करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स वगैरह, ये सब हम लोग काम करते हैं, बराबर है। तो पहली बात तो क्या आपको लगता है कि आप लोग ये सब काम करने के लिए तैयार हो? नहीं, मतलब क्या है ना, ये फर्स्ट थिंग पता होना चाहिए कि हम लोग काम करते क्या है। सर आज मैं सीए फाउंडेशन की, मैं अभी से बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आनंद सर आएंगे आपको अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, अंकिता मैम आएगी लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर देंगी। बट मेरा सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, ये सब जो काम करते हैं हम लोग, बराबर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, कंसल्टेंसी देना, बिजनेस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देना, मैनेजमेंट सर्विसेज करना, बराबर, एक्चुअरियल नहीं क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। सवाल ये है कि क्या आप लोग ये सब काम करने के लिए तैयार हो? क्या आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए बना हूं? सर मतलब थोड़ा डिटेल में समझाइए। ऑडिटिंग की बात करते हैं, हम लोग ऑडिट करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। होता क्या है ये ऑडिट? ऑडिट मतलब क्या होता है कि हम लोग जब किसी क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, एग्जामाइन करते हैं और बताते हैं कि सब सही है या गलत है, उसके हिसाब से करोड़ों लोग उस अपने रिपोर्ट के ऊपर विश्वास रखते हुए डिसीजंस लेते हैं कि बाबा इस कंपनी में पैसा लगाए या नहीं लगाए। लोग जो है कंपनियों को खरीदना है, मर्जर्स एक्विजिशंस चलते हैं, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि ये जो भी प्रॉफिट बता रहे हैं, जितना भी मुनाफा ये है, ये सब सही है या नहीं है, ये सब बातें होती है। तो इन द फर्स्ट प्लेस क्या ये ऑडिटिंग अकाउंटिंग, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के अकाउंटिंग करना है, जिनका आज सोचिए जियो जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी, इनका अकाउंटिंग करना मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, छोटा नहीं सोचने का। धंधा करना तो बड़ा करना पुरुषोत्तम भाई, वरना नहीं करना, सही ना, बड़ा सोचना है अपने को। सो बताओ ये अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैक्स कैसे हम लोग लोगों का बचा सकते हैं, बराबर, उनको हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो आपका पैसा बचेगा, पैसा आपका बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं। अगर कोई भी लीगल ट्रबल आया हम आपको बचा सकते हैं, ये काम करना है क्या आप लोगों को? और ये काम करना अगर है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो सवाल ये है कि सर ये सब काम करने से कितना पैसा कमा सकते हैं हम लोग? बिकॉज अल्टीमेटली जैसे वो बच्चा बोला कि सर विटामिन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, बाकी सारा विटामिन ए बी सी डी मिले ना मिले, विटामिन एम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना एकदम, यस। सो आपको लगता है हम लोग ये सब काम करके, तो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, आपको लगता है कि ये सब काम करने से हम लोग को पैसा मिलेगा करके, क्या लगता है आप लोगों को? मिलेगा पक्का?
क्योंकि देखो आप मजाक नहीं हो रहा, अभी अभी बहुत सीरियस हो गए हम लोग। टेंथ में हम लोग अच्छे से पढ़ाई क्यों करते थे? पास होना है और अच्छा कॉलेज चाहिए, यही था ना गोल। ट्वेल्थ में हम लोग ने क्यों पढ़ा? अच्छे परसेंटेज, क्योंकि वो बीकॉम में सिलेक्टिव पेपर, वो पेपर सिलेक्ट करने के लिए वो कैटेगरी में आना पड़ता है इसके लिए। बट अब सीए में अच्छे से पढ़ाई क्यों करना पड़ेगा? इधर ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई सब्जेक्ट है, किसके लिए? ये अब आपका रियल फेस चालू हो चुका है, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई आपकी, कि अब ये डिग्री आपको आगे पैसा कमा के देगी। भाई समझ रहे बात को? टेंथ की डिग्री पैसा कमा के दिया क्या? नहीं। ट्वेल्थ की देने वाला है क्या? नहीं। बीकॉम की देने वाला है क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग किधर आए? सीए में। ये सीए करेंगे तो आगे चार पैसे कमाएंगे। तो आपको लगता है हम लोग पैसे कमाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा खासा कमा लेते हैं ऐसा लगता है आप लोगों को? कितना कमा लेते होंगे? ऑन एन एवरेज लगभग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना कमा लेता है? करंट रेट क्या चल रहा है अपना मालूम है क्या आप लोगों को? 10 to 15 lakhs, मिनिमम 10 लाख रुपए सालाना कम से कम। आप सीए बन जाओ बराबर, एज अ फ्रेशर आपको 10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। ये अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट क्लियर कर लो, ठीक है, और आप बिग फोर्स में आर्टिकलशिप करो, तो कम से कम आपको 15 से 20 हजार रुपए का मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। समझ रहे बात को? इमेजिन कि अपना वैल्यू कितना है। ये सब क्यों बता रहा हूं? यू शुड गेट दैट फीलिंग कि जो मैं कर रहा हूं ना बहुत भारी चीज कर रहा हूं मैं। तब जाके वो इंटरेस्ट आएगा, तब जाके रोज क्लास को आओगे, तब जाके इतना टॉर्चर सहन करोगे, तब जाके रोजाना होमवर्क करोगे, और जल्द से जल्द 3-3.5 साल में सीए बनने की कोशिश करोगे। क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? पैसा। सबसे बड़ा मोटिवेशन, बिगेस्ट मोटिवेशन इज व्हाट? मनी। अगर ऐसा देखा जाए तो आपको बोलूंगा सुबह 7 बजे, ए मैं नहीं आ रहा भाई। बट आपको जब बोलूंगा रोज 7 बजे आएगा, कल से तेरे को है ना फिर 3 साल काम करिए, उसके बाद तू है ना लाखों में खेलेगा। लगा सर आऊंगा ना, बिल्कुल आपसे पहले आऊंगा सर, झाड़ू लगा दूंगा पहले, बता दो। मिनिमम 10 लाख रुपए आप लोग कमा सकते हो, मिनिमम 10 लाख रुपए, मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट, स्काई। ये भी एक ही है इसका, दूसरे लेके आ जाओ फ्रेश से ऊपर से। हाँ ओके, सो क्या बोल रहा हूं मैं, स्काई इज द लिमिट उसके लिए। तो सर ऐसा कितना लिमिट है, मतलब क्या है ऐसा? क्या करता हूं मैं आप लोगों को है ना बता ही देता हूं आज। जैसे मैं अभी टाटा मोटर्स के पास गया, मैं जाओगे इधर टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट अपन देखते हैं ना कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं अपन, थोड़ा देखेगा इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझते हैं ना भाई कि इनका सीए कितनी फीस लेता है इनकी ऑडिट करने के लिए। देखना है क्या आप लोगों को? कि अरे ये बहुत भारी चीज है ना, इनका सीए टाटा मोटर्स कंपनी, इनका सीए ऑडिट करने के लिए कितने पैसे लेता है? गेस करो कितने लेते होंगे, कितना? मतलब आइडिया नहीं सर हम लोग को, परसेंट में? नहीं नहीं बेटा, परसेंट में नहीं, अपन ऐसा गंदा काम नहीं करते, ऐसे अलाउड नहीं है अपने को। नहीं सही में आपने सीए कोड ऑफ एथिक्स में अपने को ऐसा परसेंटेज परसेंटेज अलाउड ना। लाख रुपए तो होंगे ना, कितने? 10 लाख 20 लाख 50 लाख 80 लाख घर जाएगा इसमें। कितना भाई कितना, रुको मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आता क्या आज के दिन में? हाँ आएगा अभी। बॉयज एंड गर्ल्स
ये बैलेंस शीट आई उनकी, और ये आपने बचपन में अकाउंट्स तो देखा होगा ना आपने, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें खर्चे दिखाते हैं। टें टें, रुको, आता क्या आज की तारीख में? पचका हो गया मेरे। हाँ ये आया, आया नहीं इधर, ये देखो कितना दिख रहा है। ऑडिट फीस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ऑडिट फीस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अदर कैपेसिटी, टैक्स ऑडिट, टैक्सेशन मैटर्स, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, देखने गए आपने? देखो ओनली 5 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे, क्या आया? ओनली दिस मच, ओनली 5 रुपीज। रुपीज इन क्रोर्स, 5 करोड़ तो सिर्फ कंपनी का ऑडिट करने के लिए ले रहे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितना? 5 करोड़। एंड भाई क्या बोल रहा हूं मैं, एक क्लाइंट का ही है सिर्फ। अब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म रहेगा, ये सिर्फ एक ही क्लाइंट थोड़ी रहेगा इसके पास। अरे ये तो एक क्लाइंट का एक साल की फीस है 5 करोड़। ऐसा अगर 10 क्लाइंट भी हो गए उसके पास, बस ना हो गया ना, एक साल के लिए सफिशियंट है, एक साल के लिए। अरे सर हमारा जिंदगी सेटल हो जाएगा इसमें तो, 50 करोड़ मिल गया खत्म ना भाई। लग रहा है कि अभी भी करना चाहिए यार इतना पैसा? अरे यार नहीं नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए इतना पैसा, सही है ना भाई? क्रेजी इट इज। सो फिर से लेट्स कम बैक टू दिस, क्या करना फिर? डिसाइड करना है सीए करना है करके, करते चलो देखते हैं, सही है? यस। सो वंस दिस इज देन डिसाइडेड कि ओके भाई पता है कि ये काम करते हैं, ये काम हम लोग कर सकते हैं। आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग थोड़ा जेंजी किड्स है, आप लोग को थोड़ा ऐसा ग्लैमर, फन, मस्ती, मजा, पैसा, ये सब चाहिए आप लोगों को। तो क्या होता है ना, वक्त के साथ साथ अपने को अपना जो बच्चों को क्या चाहिए वो उनके सामने अगर पोर्ट्रे किए तो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, आई बिलीव दैट। क्योंकि मैं अभी इतने, मैं 11 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, आई हैव सीन द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब मैं खुद जैसा स्टूडेंट था मैं, फिर मैंने जब बच्चों को पढ़ाया और अभी अभी ये रिफाइंड प्रोडक्ट है आप लोग। तो मैंने एक बात जो ऑब्जर्व करी आप लोगों में वो ये है कि सर अगर हमें आप गोल बता दो ना एकदम क्लियरली, और पता है कि ये चीजें करने से ये चीजें होने वाली है, तो आप सब कुछ करेंगे। आप लोग एकदम भारी है, आप लोग को पता है कि अगर पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं तो यू विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। जब पता है कि हाँ ये करने से मेरा ये फायदा होने वाला है तो आप जी जान लगा देंगे, बराबर के नहीं? सो दैट इज वाई फर्स्ट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप जिंदगी में बहुत सारे एस्पिरेशंस लेके चल रहे हो कि सर मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, एक लग्जरी कार खरीदनी है, एक घर होना है, आलीशान घर होना है मेरा, बराबर, मम्मी पापा को जल्दी रिटायर करना है, अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, देश विदेश घूमना है, बराबर, ये सब आपके एस्पिरेशंस है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके जो ड्रीम्स है ये इस कोर्स से माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अचीव कर सकते हो। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये मैं आपको फैक्ट्स और नंबर्स के साथ भी बता रहा हूँ। घर जाके आप रिसर्च भी कर सकते हो कि कोई भी किसी भी कंपनी का जो आपको लगता है छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट ले लेना उसका, उसमें आप ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन सर्च कर देना, प्रोफेशनल फीस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप सर्च कर लेना, आपको मिलेगा वहां पे। और जो नंबर्स आप देखोगे आप बोलोगे भाई हाँ मैं इसीलिए बना हूं करके। बट देखो जबरदस्ती अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, इफ दिस इज नॉट योर पैशन, इफ दिस इज नॉट योर फील्ड, यू थिंक कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है भाई, मेरे को नहीं करने का ये, तो अभी भी मौका है। बट एक बार अंदर जब आ गए ना भाई तो देन देर इज नो टर्निंग बैक। समझ में आया क्या?
आपको लगेगा फाउंडेशन बहुत आसानी से क्लियर हो गया, इंटर में बहुत मेहनत है, फाइनल में उससे ज्यादा मेहनत है, आर्टिकलशिप में बहुत हार्डवर्क कराते हैं, बट वो कहते हैं ना फिर अल्टीमेटली जब कोयला बहुत प्रेशर में आता है तभी जाके वो हीरा बनता है और तभी उसकी वैल्यू है। तो आज जो हम लोग को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ये लाखों रुपए हम लोग जो एक एक क्लाइंट से कमा रहे हैं, वो कैसे, वो इतना नॉलेज हम लोग ड्यूरिंग द पीरियड, इतना कोर्स में हम लोग इतना हार्डवर्क करते तब जाके अपनी वैल्यू इतनी बनती है। अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ने क्या कहा था, सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड्स मच वैल्यू देन दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये उनके खुद के शब्द है। तो सोचिए आप, साउंड्स इंटरेस्टिंग, क्या आप लोग फिर कमिटेड हो इस पर्टिकुलर पूरे जर्नी के लिए? पक्का? यस सर। तो जब ये बातें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं तो अब क्या होता है ना, अब ये सब चीजें जो अपने को करनी है तो ये सब किससे रिलेटेड है? ये अभी मैं आपसे, अभी हम लोग ने डिसाइड कर लिया है, हमने प्रॉमिस कर लिया है कि हां भाई सर हम लोग सीए करने वाले। किसी का ऐसा है कि नहीं सर मेरा मन बदल गया करके? कोई भी नहीं इधर लाइव स्ट्रीमिंग में, ओके सर बाय जाता हूं ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं, सब लोग है, सब एक्टिव है। तो अब ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, अब मुझे एक बात बताइए कि ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड कर रहे हैं? बोलो बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सही बोल रहा है बाबू, बिजनेस के लिए ना, बराबर। ये सब जो काम हम लोग जो कर रहे हैं ये इट इज इन रिलेशन टू व्हाट? बिजनेस। ये सब काम बिजनेस के रिलेटेड हो रहा है। ये आज हम लोग ऑडिट किसका करेंगे? एक बिजनेस का। आज हम लोग अकाउंटिंग किसका करेंगे? एक बिजनेस का। आज हम लोग जो है टैक्सेशन कंसल्टेंसी देंगे वो किसको? बिजनेस को, बराबर है कि नहीं? हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे किसको? बिजनेस को। हम लोग उनके खर्चे कम करने हैं या खर्चे बचाने हैं, ये सब किसका काम कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस का, बराबर है कि नहीं? तो ये सब जब बिजनेस का काम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस में क्या चीजें आती है, ये सब के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए? और इसीलिए एट द एंट्री लेवल, एट द फाउंडेशन लेवल आपको एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। दिस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स डियर फ्रेंड्स, इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप समझिए पहले कि ये सब्जेक्ट जो है ना, आप लोग ये सब्जेक्ट अब क्यों पढ़ रहे हो? अब आपको मैंने क्या बताया, पहले तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि ओके सर मेरे को सीए करना है, पहले ब्रॉडर विजन आपका कंफर्म कराया कि हाँ भाई सीए करना है ना, तो अपन ने बोला बिल्कुल करने का है सर। फिर अब उस सब्जेक्ट के अंदर, फाउंडेशन के अंदर एक सब्जेक्ट है, वो कौन सा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स कम टू दैट कि ये सब्जेक्ट मैंने क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारा जो काम हम लोग करने वाले हैं भाई ये किससे रिलेटेड करने वाले हैं? ये बिजनेस रिलेटेड करने वाले हैं। देखो आप लोग जो है ना, जब सीए की पढ़ाई करोगे अभी, तो आप लोग ये इंटेंशन से मत पढ़ना कि मेरे को इसमें इतने नंबर सिक्योर करने हैं, मैं मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। वो एटीट्यूड आपका 10th और 12th तक ठीक था कि मेरे को है ना मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है, मेरे को इसको मगअप करना है, इसको रट्टा मार लेना है। ये सब चीजें कब तक ठीक थी? 10th 12th तक ठीक थी। अभी ऐसा नहीं चलेगा। ये सब चीजें अगर आप इसका पर्पस समझ लोगे, अगर आप समझ लोगे कि रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में ये सब अगर मैं काम करूंगा तो इस सब का मुझे क्या फायदा होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, चीजें आपको ध्यान रहेगी, और जब चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, ऑटोमेटिकली आप आंसर्स भी तो लिख के आ ही सकते हो ना साहब, क्या बोलते, सही है कि नहीं? एकदम बराबर है, यस। तो इसीलिए हम लोग को बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। कितने मार्क्स का? कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं है, है कितने? ओनली 100 मार्क्स, ओनली 100 मार्क्स, बस दैट्स इट। एंड दैट टू चैप्टर्स कितने? ज्यादा भी नहीं है कुछ भी, कितने चैप्टर है? 10 ओनली, बस। अच्छा चुटर पुटर एकदम, बहुत इजी है रे। सो 100 नंबर और चैप्टर्स कितने भाई? चैप्टर्स है 10। और उसके बाद पैटर्न कैसा है इसका, पेपर पैटर्न कैसा है? अरे एकदम बढ़िया है, गोले मार के आना है एमसीक्यू। 100 नंबर, 10 चैप्टर, गोले मार के आना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे,
अक्कड़ बक्कड़ बंबई बो, बराबर के नहीं, इसमें से सिलेक्ट करना तो 80, 90, पूरे 100, 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं इसमें आप लोग। बट ये कब पॉसिबल हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है इसका, आपको जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो पेपर पैटर्न होता है एमसीक्यू, इससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपने लॉजिकल रीजनिंग डेवलप कर सके। चार ऑप्शन देंगे ना वो आपको, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको ये लॉजिकली उसके ऊपर आना है आपको, समझ में आया आपको। सो ओनली 10 chapters, पैटर्न इज एमसीक्यू, बेस्ट है एकदम, आपको कुछ भी ऐसा लर्न करने की जरूरत ही नहीं आपको। राइट अ शॉर्ट नोट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैसा गुस्सा आता ना इसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसको डिटेल में पढ़ लिया, बस खत्म हो गया, मज्जानी लाइफ है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या बातचीत करेंगे। 10 chapter में है, देखेंगे कितनी बैंड बजेगी या ऑर्केस्ट्रा बजेगा। आइए जरा देखते हैं। स्टडी मटेरियल, न्यू स्कीम, फाउंडेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पेपर 4, ये रहा आपके सामने इनिशियल पेजेस। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट व्हाट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे आप समझिए, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, आपकी 12th की एग्जाम्स खत्म हो गई, बराबर कि नहीं? कितने खुश थे आप, फाइनली 12th खत्म भाई, खुश थे ना? बहुत खुश तो बहुत थे। फिर आपने आपके मम्मी पापा को बोला कि मेरे को अभी थोड़ा है ना ब्रेक लेने का है, अभी मेरे को थोड़ा चिल करने का है, बराबर है? ऐसा बोला आपने। आप लोग अभी 12th में हो कि 12th हो गई आप लोगों की? 12th में है, बाकी सबका हो गया ना, बराबर, एक दो जन का बाकी है। तो ऐसा फ्यूचर में बोलेगा तू कि अभी मेरे को जो है ना थोड़ा ऐसा ब्रेक लेने का है, अभी आई वॉन्ट टू एंजॉय। तो मम्मी पापा को बोलोगे, पापा मेरे को पैसे दो, मम्मी मेरे को पैसे दो, मेरे को है ना थोड़ा एंजॉय करने का है, दोस्तों के साथ चिल करने का है, वाइब करने का है मेरे को, ठीक है ना? तो पापा ने आपको बोले कि ये ले बेटा 1000 rupees, जा जी ले अपनी जिंदगी। डायरेक्ट क्या बोला, जी ले अपनी जिंदगी। आप वो 500-500 के दो नोट देख रहे हो, पापा के पास देख रहे हो, 500-500, जी ले अपनी जिंदगी। अरे मेरे को क्या क्या करने का है जिंदगी में, मेरे को पहले तो दोस्तों के साथ वो मूवी बहुत दिनों से पेंडिंग थी वो देखने का है, मेरे को शॉपिंग करने का है, मेरे को दोस्तों के साथ पार्टी को जाने का है, मेरे को ट्रैक पे जाने का है घूमने के लिए, मेरे को कितना कुछ करने का है बाबा, 1000 rupees दिए, हम क्या बोल रहे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। बहुत टेंशन है रे बाबा, क्या लगता है आप लोगों, जी लोगे आप लोग आपकी जिंदगी? फिर क्या करोगे, पापा को बोलोगे ये रखो आपके 1000 rupees वापस, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं खेलना मेरे को ये गेम, ऐसा बोल दोगे पापा को, वापस दे दोगे 1000 rupees? सर पागल हो गया, घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है क्या सर, कुछ भी बोल रहे हैं सर। फिर आप क्या करोगे, आपको तो कितना कुछ करना है, आपको तो कितना कुछ करना है भाई, बट फिर 1000 rupees में कैसे करोगे, क्या करेगा भाई तू, हाँ और पैसे मांगेगा, देखो लगता देंगे तेरे को, ऐसे रियलिस्टिक बातें करने का भाई, नहीं देते मेरे को, आज तक नहीं देते मम्मी पापा मेरे, नहीं देते वो, और पैसे मांगेंगे, बोलेंगे ये भी दे दे वापस निकल। हाँ क्या करेंगे, प्लान कम करेंगे, बहुत बहुत आगे जाएगा तू बेटा, बहुत बहुत आगे जाएगा, बहुत होशियार है तू। वो क्या बोल रहा है, सर सर मैं अपनी जो इच्छाएं है बराबर उसको मैं अभी सैक्रिफाइस करूंगा सर, मैं कुर्बानी दूंगा सर, दिल पे पत्थर रख के। वो बोलेगा सर ठीक है, ट्रैक पे नहीं जाऊंगा सर, ठीक है सर 2 कपड़े कम खरीद लूंगा, शॉपिंग नहीं खरीदूंगा, शॉपिंग नहीं करूंगा, बट सर उसके साथ पार्टी पे तो जाना है मेरे को, मैं पार्टी को तो जाऊंगा सर, सर मैं मूवी देखना है मूवी तो देखूंगा,
सही ना, ये क्या कर रहा है ये, आप समझने की कोशिश करो, ये मैनेज कर रहा है ये चीज़ें, समझ रहे क्या? और यही बात जो है ना अपने को इकोनॉमिक्स सिखाती है, क्या मैनेजमेंट। मैंने कहा ना अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं, अपन तो जो भी बातें होगी बिजनेस की होगी, एग्जाम्पल्स आपके होंगे, बाद में उसको बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे हम लोग उसको, तो अपन क्या करने का, उसको मैनेज करने का, अपन ने उसको कैसा मैनेज कैसा करने का उसको, कि पैसा कम है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो क्या करेगा भाई, कैसे फिट करेगा इस चीज को, कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, सर पहले वो चीज करूंगा, जो लिस्ट है, जो इतनी मैटर नहीं करती सर, ट्रिक पे नहीं गया तो नहीं गया सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट सर मेरे को मूवी तो जाने का है, सर मेरे को दोस्तों के साथ पार्टी को जाने का है, तो वो तो मैं करेगा सर, मेरे को शॉपिंग अगर जरूरी है तो वो पहले करेगा, करेगा कि नहीं, करेगा। तो ये मैनेजमेंट है। तो इकोनॉमिक्स टीचेस यू ऑल दीज थिंग्स अबाउट मैनेजमेंट। इट इज सेड दैट इंसान की जो मांगे है वो असीमित है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बराबर के नहीं। एक वॉन्ट आपकी पूरी हो गई नहीं, तुरंत आपकी दूसरी वॉन्ट क्या हो जाती है, आ जाती है। वी आर नेवर सेटिस्फाइड, वी आर नेवर कंटेंटेड विथ वॉट वी हैव, हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। एक अपनी जरूरत पूरी हो गई, तुरंत अपनी क्या हो जाती है, दूसरी जरूरत सामने आ जाती है। तो ये सब करने के लिए भाई विटामिन एम तो लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो जो रिसोर्सेज है अपने पास, क्या लगता है आप लोग को, रिसोर्सेज लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। घर वाले बोलते हैं ना, पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या? बिकॉज व्हाई, दे नो बॉस कि योर वॉन्ट्स विल बी अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज दैट वी हैव विद अस इज व्हाट, लिमिटेड। सो हाउ आर यू गोइंग टू सेटिस्फाई ऑल योर वॉन्ट्स, टेल मी सर, वी कैन नॉट। अब मेरी वॉन्ट थी, मेरे को है ना आईफोन 15 लेने का है, मेरे को, मैं लिया। अब जैसे आईफोन 15 लिया ना, अब ऐसे लग रहा है ले लिया, अभी एक वॉन्ट सेटिस्फाई हो गई, अब तुरंत क्या होता, फिर दूसरी वॉन्ट आ जाती है। यार अगर घड़ी भी मिल जाए तो यार मजा आ जाओ यार, ऐसा पापा को बोला, पापा घड़ी भी दिला, तो बोला एक देगा झापड़। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। इसी को हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं। बिजनेस में हम लोग को बहुत सारी चीजें करनी होती है, हम लोग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होता है, हम लोग को मार्केटिंग करनी होती है, स्टाफ है, एक्सपांशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, कितना कुछ चीजें अपने को बिजनेस में करना होता है। बट इन सब के लिए वापस से पैसा लगेगा कि नहीं? तो आप समझिए, ये सब मैनेज करने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट सिखाएगा भाई? इकोनॉमिक्स नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपने भले ही ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, बट जिस नजरिए से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो अलग होगा। तो इट इज अबाउट व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आया आप लोगों को? सो दैट इज व्हाट इन द इंट्रोडक्शन टॉपिक वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। एंड फिर उसके बाद अलग अलग इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, बराबर। गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं होता है, उसके हिसाब से हर एक देश की इकोनॉमी अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो दैट वील बी डिस्कसिंग इन व्हाट, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में। साउंड्स इंटरेस्टिंग? यस सर। उसके बाद आते हैं सेकेंड, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर में। थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर, मेरे को बिजनेस करने का है, और मेरे को बिजनेस करने का है सिर्फ, या मेरे को उसको सक्सेसफुल बिजनेस करने का है? हाँ, इंपॉर्टेंट इज कि आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू बिजनेस, व्हाट आई वॉन्ट टू डू इज अ सक्सेसफुल बिजनेस। और आप समझिए, ये बिजनेसमैन बहुत हुशार रहते रहे, एकदम भारी रहते हैं लोग, बराबर है। इतना दिमाग लगाते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं कि आप बोलो, आप सोच भी नहीं सकते। एक सिंपल बात मैं बताता हूं आप लोगों को। आज ये एप्पल बिजनेस कर रहा है, एप्पल बिजनेस कर रहा है ना, क्या है इस फोन में? हम लोग आज इतने वीडियोस देखते हैं, बराबर के नहीं? हम लोग इतने मीम्स देखते हैं उसके, इतने लोग उसको रोस्ट करते हैं कंपनी को, देखते हैं ना आप लोग यूट्यूब पे रोजाना वीडियोस आते हैं, बराबर। क्या नया? कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट, सिर्फ टाइप सी चार्जर आया, नॉनसेंस, कुछ भी नहीं अलग। बट फिर भी भाई आपको पता है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं,
क्या लिखा है यहां पे? आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवरी इज डिलेड टिल नवंबर 15। हमारे आनंद सर को, अंकिता मैम को भी लेने का है, मिल नहीं रहा है मैम को, उन सर को शॉर्टेज है फोन का। क्या बात कर रहे हैं सर, हाउ ना रे बाबा, शॉर्टेज है। क्यों सर, इतनी भयंकर डिमांड है फोन की, क्या बात कर रहे सर? नया कुछ नहीं है ना सर फोन में, बट फिर भी डिमांड बहुत ज्यादा है, ओवरबुक हो गया है, कंपनी ने सोचा नहीं था उतना डिमांड आया है। देखो एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवरी डिलेड टिल नवंबर। भाई साहब ऐसा क्या सर, मतलब कैसा भारी ना, कुछ भी नया नहीं बनाया इन लोगों ने एंड फिर भी इतना बिक रहा है। दैट इज द ब्रांड दैट दे हैव क्रिएटेड, द इमेज दैट दे हैव क्रिएटेड। समझ रहे बात को? तो ये जो हम लोग देखते हैं ना, ये बिजनेस करने का तरीका है इनका। आप मूवीज देखते ना, मूवीज में कभी आपने देखा बीएमडब्ल्यू में चोरी करके कोई जा रहे है? नहीं, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी में सिर्फ आपको हीरो लोग दिखेंगे। अलाउ नहीं करते वो कंपनी कि चोर लोग यूज करेंगे इसको, क्योंकि वो ब्रांड का इमेज है ना, वो अफेक्ट होता है। समझ में आया आप लोग? वो स्टेटस सिंबल बनाया उसने। तो ऐसी कुछ चीजें जो है ना, ये बिजनेसमैन को सोचना है। आज के तारीख में ये फोन फिर भी अभी क्यों बिकता, मैं आपको बताता हूं। स्टेटस सिंबल बनाया एक तो पहले, ओनिंग एन आईफोन लोगों को लगता है, लोग किस्तों में खरीद रहे, भाई किडनियां बेच बेच के खरीद रहे, बट क्यों खरीद रहे? लोगों को दिखाना है। एप्पल कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है, खरीदो, बट एप्पल कंपनी को मालूम है वो क्या बोलते हैं, मस्त है ना कैमरा दे दो इनको एक अच्छा बढ़िया सा। आज के लोगों को क्या चाहिए, बढ़िया सा कैमरा चाहिए फोटो खींचने का है उन लोगों को। सही बात है कि नहीं एकदम? यस सर। उसके बाद हम लोग होटल में जाना है अपने को खाना खाने के लिए, चलो ये तो बहुत बहुत बड़ा एग्जांपल बोल दिया मैंने, छोड़ दो इसको, अपन अपना एकदम छोटू पोटू एग्जांपल लेते हैं। आज अपने को जाना है होटल में खाना खाने के लिए, बराबर, कौन से होटल में जाने का बता? मैं दो ऑप्शन सजेस्ट करता हूं आप लोगों को, एक ऐसा होटल जिसमें ऐसा कुछ ऐसा ना एकदम ऐसे शेडी प्लेस है, कैसा शेडी, अंधेरा अंधेरा ऐसा कुछ ऐसा डार्क कुछ, बट खाना एक नंबर खाना है। और दूसरा जगह ऐसा बहुत भारी इंस्टाग्रामेबल जगह है, कैसा इंस्टाग्रामेबल जगह है, समझते हो इंस्टाग्रामेबल मतलब फोटोजेनिक है, खाना इतना बढ़िया नहीं है, आप कहां जाओगे? कहां जाओगे? दिल से बोलो, चुप रहे सर। जो फोटोजेनिक जगह होगी ना, इंस्टाग्रामेबल जगह होगी ना, खाना तो ओके ओके चलेगा, अरे बट चार लोगों को बताना पड़ेगा ना, बहुत भारी जगह आया है मैं, स्टारबक्स इसीलिए जाते हैं। अभी ये जो मैं कॉफी पी रहा ना मालिक, ये कितने की कॉफी है? 20 रुपए की कॉफी है। मैं आपको टेस्ट कराता हूं और सेम जाके वापस स्टारबक्स में पीना, सेम टेस्ट आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। बट स्टारबक्स जाके फोटो डालने का स्टेटस, मैं तो क्या करता फिर, एक बार कप लेके आना, 10 दिन रोज फोटो डालने का उसके अलग अलग जगह पे, किसको पता चल रहा है? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज बिजनेस। ये डिमांड हो रहा है, डिमांड, मुबारक हो, क्या हुआ है, डिमांड हुआ है। अरे किधर गया मेरे, कोई बात नहीं। तो ये सब अपने को सक्सेसफुल डिमांड अगर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे भाई? ये अंबानी अदानी ये सब पढ़ के गए, ये मेरे से नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये लोग ने क्या पढ़ाई है, ये सब ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के गए ये। समझा गया? सो इसके अंदर हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ता है कि व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, किस वजह से लोग डिमांड करते हैं, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, बराबर कि नहीं, हैबिट्स, बराबर। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, अगर किसी चीज में उसको ज्यादा मजा आ रहा है तो उसको ज्यादा खरीदी करेगा। तो इसीलिए आज के तारीख में कंज्यूमर बिहेवियर के लिए भी सेकंड अपना चैप्टर दिख रहा है आपको, सेकंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर,
तो वो स्टडी करके बिजनेसमैन अपना क्या करता है, बिजनेस आगे बढ़ाता है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है वो। आपको मालूम है वन प्लस फोन, मालूम आपको जब वो लॉन्च हुआ था ना वन प्लस, इट वॉज ओनली एंड ऑनलाइन सेल ओनली था, वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल था, वन प्लस के स्टोर नहीं थे मालिक, वन प्लस मोबाइल फोन है उसका स्टोर नहीं था। आपको अगर खरीदने का है तो उसको क्या करने का, आपने ऑनलाइन ही ऑर्डर करने का। अब फोन की कीमत है 50,000, 60,000, 80,000, और बिना फोन हाथ में लिए उसके फीचर्स देखे कैसा ऑर्डर करेगा भाई मैं, बट इट वॉज ऑनलाइन ओनली। फिर वो कंपनी को समझा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि भाई लोग तो ले रहे बट अगर इसका और सेल बढ़ाना है ना तो लोगों को इस पर्टिकुलर फोन का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तो उसके बाद वन प्लस ने एक्सपीरियंस स्टोर्स लॉन्च किए, मालूम है आपको एक्सपीरियंस स्टोर मतलब वन प्लस के शोरूम्स, मोबाइल फोन्स के स्टोर दिखते ना आपको वन प्लस के, वो क्यों आए, उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वहां से हम लोग को मोबाइल फोन बेचना है, उनका इंटेंशन ये है कि एक दुकान ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर लोग वन प्लस लेने की इच्छा रखता है तो वो आए फोन हाथ में ले उसके फीचर्स को फील करे तब फिर वो खरीदेगा। दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लोग स्टडी करते हैं इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं, समझ में, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिलीवरी होता है। तो ये कैसे होना चाहिए, कैसे हमने स्टडी करना चाहिए, ये हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करेंगे। और फिर जो हम लोग को डिमांड है, जिसका लोगों को चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने कितना सप्लाई करना चाहिए वो हम लोग स्टडी करते हैं। सो ऐसा अपने को ये थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में सिखाया जाता है फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। समझ में आएगा आप लोगों को। अरे ये चैप्टर्स पढ़ के है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, जब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ना, तो जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे ना आप, आपके घर में अगर बिजनेस होगा ना तो उसको गारंटी दे रहा हूं मैं, उसको आप नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हो, गारंटी दे रहा हूं। हम लोग ये थ्योरी पढ़ेंगे ना, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप आपके बिजनेस में कैसे करोगे मैं बता सकता हूं आपको, और आप उसको आगे लेके जा सकते हो। आज मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ऐसा ऐसा पढ़ना है अपने को, ये गोल है आप लोगों का, बिकॉज दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर, यही बोला था ना मैंने। मैं आपका माइंड सेट समझता हूं, तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, बराबर है कि नहीं। मैं क्लास में आया, आपको ऐसे लगा कि कोई टीचर ऐसा, मतलब भाई इकोनॉमिक्स का कि हम लोग ऐसे पढ़ने वाले एकदम ऐसा नॉर्मल ऐसे ही है वो, मेरे क्लास में ऐसा होएगा ही नहीं, आप लोग लगे आपका दोस्त पढ़ा रहे करके। मेरी उम्र कितनी है, 20 साल की उम्र है मेरी, हाँ भाई येड़ा है क्या, 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 20 साल की उम्र है मेरी, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ऐसा कि दोस्त पढ़ा रहे करके, क्योंकि टीचर पढ़ाया और दोस्त पढ़ाया किसका अच्छे से समझ में आता है, तो व्हाई नॉट टीचर बिकम अ फ्रेंड देन। कंज्यूमर बिहेवियर भाई, तुम समझ रहे क्या बात को, अगर मैं तुम्हारे साथ एकदम फ्रीली पढ़ाऊंगा, हंस खेल के मजाक करके एकदम मस्त बातें बातें करके एकदम अपन ऐसा रैपो ये करेंगे, इज्जत दे देना बस ऐसा, हाँ भाई क्या बोल रहा भाई, मतलब इज्जत दे देना बस उतना बड़ा समझिए, अगर ऐसा हम लोग अगर कंफर्टेबल होके अगर पढ़ाई करेंगे तो मुझे आपको पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको पता है कि हम लोग सर के साथ बात करते सकते हैं तो आप डाउट्स आपके पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी शंका या संकोच नहीं होगी ना। तो ये सबसे क्या सीखा हमने, बिजनेस आप ग्रो कर सकते हो बाय स्टडिंग व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर। आई बात समझ में आपको, ऐसा है। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब आपकी डिमांड आपको पता है होने वाली है, आपको पता है कि ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए और उसको सप्लाई करना है, तो अब प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तो कितना प्रोड्यूस करें, अननेसेसरी बहुत ज्यादा करके चलेगा नहीं, बहुत कम करके भी चलेगा नहीं, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या प्राइस पे बेचना है वो भी तो देखना पड़ेगा, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे बेचना है, तो ये अपना फोर्थ चैप्टर में आएगा। नेशनल इनकम एक अलग चैप्टर है, फिर बिजनेस साइकिल की, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते ना, तो अगर बिजनेस में उतार आया है बराबर कि नहीं, अगर हम लोग अपना बिजनेस स्लो हो रहा है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो ऐसे केस में हम लोग ने क्या डिसीजन लेना चाहिए, जब हम लोग टॉप पे है तो हमने क्या करना चाहिए, तो ये सब आपको कौन बताएगा, ये बिजनेस साइकिल बताएगा। नहीं तो इंसान को पता नहीं चलता, भाई मेरे बिजनेस का एकदम लोएस्ट पॉइंट आ गया, अब मैं क्या करूं भाई, क्या करूं ये सिखाएगा तेरे को, अब ये अपन इचकेंगे, अपन एकदम टॉप पे है तो क्या करूं,
ज्यादा कैरिड अवे मत होना, समय बदलते देर नहीं लगती। तो जब टॉप पे है तो क्या करना, कौन सिखाएगा? बिजनेस साइकिल सिखाएगा। ये सब बिजनेस की बातें है। कैसे आज तक इतने सालों से टाटा टॉप पे है, अंबानी टॉप पे है, ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग? उनको पता है कि कौन से साइकिल पे कैसे क्या डिसीजंस लेने हैं, तभी तो इनके बिजनेस में कभी डाउनटर्न नहीं आता ना भाई। आया तो भी वो उसको क्या कर लेते हैं, तुरंत रिकवर कर लेते हैं। ये पढ़ते हैं ये लोग। आपको एक सही बात बताऊं, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सब्जेक्ट का टॉपिक है ही नहीं, ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। ये अगर आपके दोस्त अगर कोई बीबीए या एमबीए कर रहे होंगे ना, उनको पूछना क्या तेरे को इकोनॉमिक्स है क्या, उनका किताब खोलना, आपको दिखेगा ये सब उनको मिलेगा वहां पे। क्योंकि बेसिकली ये बिजनेस को मैनेज करने की बातें है भाई, समझा गया बात को? बट अपन भी बिजनेस के अंदर हेल्प करते हैं लोगों को, इसके लिए अपन ये पढ़ते हैं। ये सब एक तरफ। फिर लेट्स कम टू द मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, पब्लिक फाइनेंस। जब आपको भी सीए बनने के बाद मान लो कोई गवर्नमेंट में आपको कभी कुछ काम करना है, जैसे आप सीए बन गए, वो परिणीति चोपड़ा का हस्बैंड कौन? अरे प्रियंका चोपड़ा नहीं रे, अब भी शादी हुई ना, चड्डा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी, पता है आप लोगों को? बट आज सर मतलब आप गवर्नमेंट के वो उसके अंदर ना, आप आम आदमी पार्टी में है ना भैया, वो तो उन्हें इन सब का नॉलेज होना चाहिए ना। ओके, आप भी अगर सीए बनने के बाद सोचा आपने कि भाई अपन भी है ना देश के विकास के लिए अपन भी कुछ करना चाहते हैं, एंड इफ यू एंटर इनटू दैट स्ट्रीम, तो आपको नहीं लगता कि आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? क्या बोलते, सही बोल रहा हूं ना? तो आपको पब्लिक फाइनेंस का बारे में पता होना चाहिए। मार्केट फेल हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए मार्केट को फिर से रिवाइव करने के लिए, तो ये आपको सिखाऊंगा मैं। फिर उसके बाद मनी मार्केट, पैसा। आज बोल दिया मित्रों 500,000 के नोट बंद, मित्रों 2,000 की नोट बंद, व्हाट विल मित्रों डू लेटर ऑन? आप लोग को ये मनी को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये सरकार क्यों कर रही है। हम लोग बाहर रह के अपने को आइडिया नहीं होता कि सरकार ये मोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन ये सब कर रही है, बट इसके पीछे का साइंस क्या है? व्हाई डिड गवर्नमेंट बैन 2,000 रुपी नोट्स नाउ? What is the reason behind this? Black money 500,000 का, और वो एकदम ऐसा छोटा रीजन है। बट उसके बाद 2,000 के नोट ब्लैक मनी का एक अभी तो आया ना मार्केट में 2,000। तो इट इज अबाउट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के वजह से परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर से लेके इन्फ्लेशन, ये सब बातें है उसके अंदर। तो अपन सिर्फ ऐसा नहीं, आज अपन जब चार लोगों में बातचीत करेंगे ना, सिर्फ अपन क्या बोलते हैं, अरे यार गवर्नमेंट 2,000 का भी बंद कर दिया, क्या इनको अक्कल नहीं है? अरे अक्कल अपने को नहीं है, अपन को पता नहीं है मनी मार्केट में कैसे क्या क्या होता क्या है, समझ रहे क्या? हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो ये सब इधर मिलेगा, सब इकोनॉमिक्स में बता रहा हूं। आज आपको क्या बता रहा हूं कि हाउ मच इंटरेस्टिंग द टॉपिक्स आर। अभी तो ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं और मैं बहुत बोल रहा हूं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है मेरे पे भाई, बस करना, अभी कितना बोलेगा, आ रहा है ना गुस्सा, आने दो कोई बात नहीं। बट आपको ये जब समझेगा ना, ये समुंदर कितना खूबसूरत है, तो उसमें है ना डूब के नया पार करने में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। आज अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब, क्या लेवल पे बातें करते हैं, कभी सुना है उनको? बराबर। तो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स मैनेज करना बहुत सेंसिटिव बात है भाई। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है, ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे होती है, ट्रेड पॉलिसीज कैसे होती है, कल चल के आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना होगा तो क्या करना होगा, ये कौन सिखाएगा आप लोगों को? आपका कल चल के कोई क्लाइंट होगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रहा होगा, उसका मेजोरिटी बिजनेस एक्सपोर्ट का है, या तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, तो उसने क्या चीजें करनी चाहिए, आपको कैसे पता होगा? लग रहा है कि अच्छा कुछ पढ़ने वाले हम लोग, मतलब फील करो कि हम लोग सीए में है ना, अभी ऐसा वो जैसा तुतुल पुतुल छोटा छोटा पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी अभी बहुत भारी पढ़ना है अपने को।
अपना जो नॉलेज बेस है अब वो एम्पलीफाई होने वाला है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ये थोड़ा इतिहास में लेके जाएंगे आपको कि 1950 से लेके 1991 और 1991 के आगे टिल डेट हाउ द इकोनॉमी प्रोग्रेस्ड, पूरा अपना हिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन 1947 में आजादी, फिर प्लानिंग कमीशन, फाइव ईयर प्लान्स, फिर चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर, फिर ग्लोबल रिसेशन, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वो सब इसके अंदर आता है। ऐसा तो ऐसा कंप्लीट पैकेज ये 10 चैप्टर का ही है। साउंड्स गुड, इंटरेस्टिंग? यस सर। सो ये जो है, ये सारी बातें हम लोग इन 10 चैप्टर में हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आप बात करते हैं मैं कौन हूं सिलेबस के, क्योंकि दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट आई बिलीव। दो मिनट मेरे बारे में बता देता हूं, मैं हूं सीए अर्षद जाजू, ठीक है? मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, योर करियर इज इन अ वेरी सेफ हैंड्स एट टीम एसपीसी। ऑल द फैकल्टीज आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे आर बीन टीचिंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ दिस व्हाट पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैं 11 साल का तजुर्बा रखता हूँ, मैं फाउंडेशन लेवल पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, इंटर लेवल पे मैं कॉस्टिंग और ऑडिट पढ़ाता हूँ, और फाइनल लेवल पे ऑडिट पढ़ाता हूँ, ठीक है? सो जब आज आप मुझे मिले हो तो अपना जो ये सिलसिला है, मैं आपको सीए बनते तक देखूंगा, मैं आप लोगों को टिल द सीए फाइनल हमारा साथ रहेगा, फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर टू फाइनल। बट शॉर्ट शॉर्ट गोल्स को अचीव करेंगे तब जाके अपना लॉन्ग टर्म गोल अपन अचीव करेंगे, ठीक है? क्लास में मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे अभी मैंने एक घंटा इतनी बातचीत करी, तो मैं आपको बस बता दूं कि हम लोग एकदम ऐसा कंफर्टेबल माहौल में पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा आप एकदम ऐसा स्ट्रेट फेस बना के एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ऐसा पढ़ने का नहीं। देखो पढ़ने का बट एंजॉय करके पढ़ने का। मैं पढ़ाऊंगा एंजॉय करके पढ़ाऊंगा, बराबर है कि नहीं? जिंदगी में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, ऑलरेडी बहुत दर्द है, क्लास में आके और दर्द क्यों बांटना है? उससे अच्छा हम लोग थोड़ा हैप्पी माहौल में उसको पढ़ेंगे, ठीक है? सो एकदम मेरी क्लास में रहोगे तो एकदम ही रिलैक्स्ड रहना, बट फैल मत जाना एकदम कि बातें ही करेंगे हम लोग। पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को फील करेंगे, उसमें माहौल बनाएंगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट्स को बोरिंग नहीं बनाएंगे हम लोग। सो उस हिसाब से पढ़ेंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसका हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे। जैसे अभी मैंने बातों बातों में आपको बताया, आईफोन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बराबर? ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको कि जिससे हम लोग जो टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में ये कंपनीज कर रही है और वो कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है, वो सारी बातें हम लोग सीखेंगे। प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या होगा अपने को कि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, वो फिट हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में चिपक जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग को उसको फिर अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। आपको इकोनॉमिक्स के लिए एक अलग से 100 पेजेस का बुक आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? 100 पेजेस का एक अलग से बुक बनाना पड़ेगा। ऐसा मत करना लॉ का आधा और इकोनॉमिक्स का आधा, अकाउंट्स का आधा, मैथ्स का आधा, ऐसा नहीं चलता इधर। एक 100 पेजेस का मिनिमम आपको बुक लगेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आपकी समरी नोट्स हम लोग बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, तो वो सब काम हम लोग करेंगे, ठीक है? उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 अलग अलग कलर पेन्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि मैं अभी जब ये नोट्स बना रहा हूं, बराबर है, तो आपको दिख रहा है कि मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं। सो जब मैं पढ़ाता हूं तो आई यूज अ कलर स्कीम कि क्या चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, कैसे वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि देखो जिंदगी वैसे ही बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है? तो थोड़ा हम लोग जब नोट्स बनाएंगे तो वो कलरफुल बनाएंगे, तो जिससे पढ़ने में हम लोग को क्या हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? सो आप लोगों ने क्या करना है, 3-4 कलर पेंस लेके आने हैं, हाईलाइटर लेके आना है 1-2 कलर के, और आपके साथ स्टिक नोट्स भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो हम लोग ने खुद के लिए स्क्रिबल करना है और वहीं पे वहां पे चिपका देना है, समझ में आए? स्टिक नोट्स का वैसे हम लोग यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिल पे पत्थर रख के हां बोलना पड़ेगा कि आपको रोजाना क्लास आना पड़ेगा।
गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आपको रोजाना लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे एकदम सिंसियरली, पूरी श्रद्धा निष्ठा और ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप समझिए चाहे फिर वो मैथ्स हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो, एक भी अगर आपका सेशन मिस हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, अगले सेशन में हम लोग वापस से एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट होता है, उससे आगे वो लिंक्ड होता है, तो फिर नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा होगा। ठीक है, बोलो यस। सो विद दिस आई टेक योर लीव, दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलेंगे और कल सीधा हम लोग फुल पावर पैक पढ़ाई का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, कल मेरा लेक्चर होगा एट 12:45 को मेरा लेक्चर होगा, 1:30-1:45 ऐसा स्लॉट रहेगा, और ये टाइम स्लॉट में अंकिता मैम का लेक्चर रहेगा। आज अंकिता मैम के कुछ पर्सनल इश्यूज के वजह से उनका लेक्चर पोस्ट लंच होगा, अभी इस लेक्चर के बाद तुरंत ही आनंद सर का लेक्चर होगा, बट कल से ये स्लॉट में किसका लेक्चर होगा, अंकिता मैम का, फिर उसके बाद होगा हर्षद सर का, पोस्ट लंच होगा आनंद सर का। ओके ओके ओके, चलो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट ग्रेट